हाय दोस्तों, मैं मनोज सर, लूसेंट सामान्य ज्ञान। तो दोस्तों देखिए, इतिहास चल रहा था जिसमें मैंने सारे धर्मों को ख़त्म कर दिया था। आज चलेगा मौर्य साम्राज्य, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो देखिए, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य। और इनका जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य का क्या नाम दिया? सेंड्रकोटस। मतलब कि चंद्रगुप्त का एक और नाम क्या था दोस्तों? सेंड्रकोटस था। कहा है जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। अब देखिए, विशाख दत्त कृति मुद्रा राक्षस में। अब देखिए, यहां से दो क्वेश्चन बनेगा। मुद्रा राक्षस किसने लिखा? विशाख दत्त। में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया। घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, ठीक, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखित अर्थशास्त्र, अब अर्थशास्त्र किसने लिखा है? तो देखिए, कौटिल्य ने लिखा है, ठीक। किसने लिखा है? कौटिल्य के, जिसका संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का था। मैंने पिछली बार बताया, पिछले मतलब टॉपिक में बताया था कि चंद्रगुप्त मतलब किस धर्म को मानता था? जैन धर्म को मानता था। अब देखिए, चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक की श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर बिताया था, ठीक। अगला देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी में सेलुकस निकेटर को हराया था। किसको हराया था? सेलुकस निकेटर। और सेलुकस निकेटर कौन था? सिकंदर का सेनापति था। कौन था? सिकंदर का सेनापति। और इसी के पुत्री से चंद्रगुप्त मौर्य को क्या हो गया था? प्यार हो गया था, ठीक। तो देखिए, सेलुकस निकेटर ने अपनी पुत्री कॉर्नेलिया, उसकी पुत्री का क्या नाम था? कॉर्नेलिया, याद रखिएगा। कॉर्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। युद्ध की संधि के शर्त में चार, अब देखिए दहेज में इनको क्या क्या मिला था? काबुल मिला था। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य। प्राचीन काल में चंद्रगुप्त मौर्य को देखिए दहेज में क्या मिला? काबुल, कंधार, हेरात, मकरान, चंद्रगुप्त दिया गया। चंद्रगुप्त मौर्य जैनी गुरु भद्र बाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। ये भी बहुत देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त ने किससे मतलब कि जैन धर्म की दीक्षा ली थी? भद्रबाहु से। कौन? भद्रबाहु। अब देखिए, मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था, ठीक है। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है इंडिका, जो कई बार एग्जाम में पूछा है। हर एग्जाम में, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे आरओ का हो, चाहे एपीएस का हो, चाहे UP SSSC का हो, इंडिका किसने लिखा? मेगास्थनीज ने। ये कई बार पूछा है। तो मेगास्थनीज के अनुसार, सम्राट का जनता के सामने आने के अवसर पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्होंने एक सोने की पालकी से पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोते का झुंड रहता था, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते थे। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे, और उनकी खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाना को चखते थे। वे लगातार 2 रात एक कमरे में नहीं सोते थे। कौन? राजा। पाटलिपुत्र के बारे में, पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिले वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल काठ का बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यान और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियनास ने किया, और प्लूटार के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेलुकस को 500 हाथी उपहार में दिया था। अब देखिए, चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 में स्वर्ण बेलगोला के उपवास के द्वारा हुआ। कैसे इनकी मृत्यु हो गई थी? ये चले गए थे एक कमरे में, अपने आप को बंद कर लिए थे, खाना पीना सब छोड़ दिए, तो उसी की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। अब आता है बिंदुसार। बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का था। एक है बिंबसार, एक है बिंदुसार, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। बिंबसार हर्यक वंश का था, अब बिंदुसार मौर्य वंश का था, ठीक। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार था। कौन था? बिंदुसार, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसे अमित्रघात कहा गया। अमित्रघात क्यों कहा गया? जब ये अपनी माँ के पेट में था,
तो इसकी मां को जहर दे दिया गया था, तो जहर जाकर मतलब कि इसके मस्तिष्क पे जमा हो गया था, इसीलिए इसको क्या कहा गया, अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। अमित्रघात का मतलब होता है शत्रुनाशक, क्या होता है शत्रुनाशक। अब देखिए बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने किया था, मक्खाली पुत्र गोसाल ने किया था। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया। स्ट्रैम्बो के अनुसार सीरियस नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार की दरबार में डाइमिकस राजदूत को भेजा। अब देखिए सीरिया नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में किसको भेजा था, डाइमिकस को, याद रखिएगा। अब चंद्रगुप्त के दरबार में किसको भेजा था, मेगास्थनीस को, किसको, मेगास्थनीस को। और बिंदुसार के दरबार में कौन आया था, डाइमिकस। इसे मेगास्थनीस का उत्तराधिकारी माना जाता है, लोग कुछ लोग बताते हैं कि ये मेगास्थनीस का उत्तराधिकारी था। अब देखिए जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया, क्या कहा गया, सिंहसेन। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, सिंधु और झेलम नदी के बीच में दो विद्रोह का वर्णन मिलता है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार अपने सुसीम और बाद में अशोक को भेजा। एथिनियस के अनुसार बिंदुसार सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट से मदिरा सूखे अंजीर एक दार्शनिक भेजने को प्रार्थना किया। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद था जिसका प्रधान खल्लाट था। अब देखिए मौर्य साम्राज्य में पहला राजा कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का कौन आ गया, बिंदुसार। अब बिंदुसार का लड़का कौन है, अशोक, ठीक है ना। यदि अगर मौर्य साम्राज्य का क्रम से अगर आपको मतलब कि राजा का नाम, तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, इसके बाद उसका लड़का बिंदुसार, बिंदुसार का लड़का क्या है दोस्तों, अशोक। अब देखिए अशोक किसका लड़का था, बिंदुसार का, याद रखिए कई बार क्वेश्चन पूछा कि अशोक किसका लड़का था, बिंदुसार का। अब बिंदुसार किसका लड़का था, चंद्रगुप्त मौर्य का। तो देखिए बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा, और अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था, ठीक है ना। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था, अवंती का क्या था, राज्यपाल। अब देखिए मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर, उदगोलम के लेखों में अशोक का नाम उल्लेख मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पीसीएस में कई बार पूछा है कि अशोक के नाम का उल्लेख किस किस अभिलेख में मिलता है, तो आपको मास्की बताना होगा, फिर गुर्जरा बताना होगा, फिर नेत्तूर बताना होगा, फिर उदगोलम बताना होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसके बाद देखिए कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में कनकहल्ली से प्राप्त उभारधार मूर्तिशिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र और रनियो अशोक का उल्लेख मिलता है। भाबरू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया, किस अभिलेख में, भाबरू अभिलेख। अभिलेख का मतलब क्या होता है, अभिलेख का मतलब जो पत्थरों पर मतलब कि लिखा जाता है वही अभिलेख होता है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया, पुराणों में क्या कहा गया, अशोक को अशोक वर्धन कहा गया। अशोक ने अपने अभिषेक की 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग आज के डेट में किसको बोलते हैं, उड़ीसा को। अब देखिए अधिकार कर लिया। प्लेनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल ने पाटलिपुत्र में डियानिसियस नामक एक राजदूत भेजा। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अशोक ने पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, अशोक पहले क्या था, ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कल्लड़ के राजा तांगड़ी में से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था। निग्रोन्थ के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। और औरा लेख में यह घोषणा की गई कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था, किस अभिलेख में कहा गया, तो औरा अभिलेख में। अब देखिए यहाँ पे अशोक के शिलालेख हैं, अशोक के क्या हैं, शिलालेख। इस शिलालेख से पीसीएस में, आईएएस में और एपीएस में, आरओ यारो में क्वेश्चन एक को जरूर आता है। तो देखिए दोस्तों इसको लर्न कैसे करना है, पहला पहला शिलालेख में क्या है, इसमें कहा गया है कि पशु बलि की निंदा की गई है। पूछा जाता है कि अशोक के पहले शिलालेख में क्या लिखा गया है, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरे में क्या लिखा गया है, मनुष्य और पशु दोनों को चिकित्सा व्यवस्था को उल्लेख किया गया है, मतलब कि इसके दूसरे अभिलेख में है मनुष्य और पशु दोनों को चिकित्सा की व्यवस्था की गई है, जैसे आज के डेट में हॉस्पिटल की व्यवस्था की गई है ना, तो अशोक के दूसरे शिलालेख में ऐसे याद कर लीजिए अगर आप लोग को याद करना है। पहले में क्या है कि पशुओं की बलि पर निंदा की बात की गई है, और दूसरे पर क्या किया गया है दोस्तों, मनुष्य मनुष्य और पशु के लिए हॉस्पिटल का उल्लेख किया गया है, ठीक। तीसरे में क्या लिखा गया है, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे
हर 5वीं वर्ष की उपरांत दौरे पे जाए और इसमें कुछ धार्मिक नियमों का उल्लेख लिखा है। ठीक है, चौथे में क्या लिखा है, इसमें भेरी घोष की जगह धन्य घोष की घोषणा की गई है। पांचवे में क्या किया गया है, इसमें धर्म महापात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। छठे में क्या है कि इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। सातवां और आठवां में क्या है, अशोक के तीर्थ यात्रा का उल्लेख किया गया है। कभी कभी ये पूछता है कि अशोक के तीर्थ यात्रा का उल्लेख किसमें मिलता है, सातवां और आठवां में। नौवीं में क्या लिखा है, सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार, नौवां में। दसवां में क्या लिखा गया है, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारियों हमेशा प्रजा के हित में सोचिए, दसवें में लिखा गया है। ठीक है, ग्यारहवें में क्या लिखा है, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। बारहवें में क्या लिखा गया है, इसमें स्त्री महापात्रों की नियुक्ति और सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात की गई है। तेरहवां बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है, 101 बार क्वेश्चन पूछ चुका है ये। इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन, अशोक की हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसमें 5 यवन राजाओं के नाम का उल्लेख है जहां उसने धम्म प्रचारक भेजा। चौदहवां में क्या है, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। अगला देखिए दोस्तों, अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोधगया की और 12वें वर्ष निगाली सागर की, 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। लुम्बिनी कहाँ है, नेपाल में। अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अशोक ने क्या किया, आजीविकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में, देखो यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों पूछता है कि अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, कर्ज, चोपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी। पूछा जाता है कि कर्ज, चोपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी का निर्माण किसने किया है, अशोक ने। किसके लिए, आजीविकों को रहने के लिए। ठीक है ना, अशोक का एक पौत्र रहता है, पौत्र का मतलब पोता, दशरथ। ठीक है ना, अशोक का एक पौत्र रहता है दशरथ, ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा की प्रदान की और 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है तथा महापात्रों को आजीविकों की हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया। अगला देखिए, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार के लिए महेंद्र किसका नाम है, अशोक के पुत्र का नाम है, और पुत्री संगमित्रा इनकी पुत्री थी, को श्रीलंका में भेजा था बौद्ध का प्रचार करने के लिए। आपने देखा होगा कि श्रीलंका की, जहां पर श्रीलंका एक ऐसा कंट्री है जहां पर सारे बौद्धिस्ट पाए जाते हैं। अब देखिए, बौद्ध परंपरा और उनकी लिपियों के अनुसार अशोक ने 84 स्तूपों का निर्माण कराया था, 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने शुरू किया था। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में शिलालेखों का मतलब कि प्रारंभ किसने किया था, अशोक ने, यह भी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं कि अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाई लिपि का प्रयोग किया। कई बार क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि अशोक के शिलालेख में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है, तो याद रखिएगा ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक का प्रयोग किया गया। ठीक है, ग्रीक और अरमाइक लिपि का अफगानिस्तान में, कहाँ पे, अफगानिस्तान से खरोष्टी लिपि का अभिलेख साहब्सगढ़ी और मनसेरा से और शेष भारत ब्राह्मी लिपि के अभिलेख में मिले हैं। ठीक, अगला देखिए दोस्तों, खरोष्टी लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती है। अशोक के अभिलेखों में 3 भागों को बांटा गया, अशोक के जो अभिलेख है 3 भागों में, एक है शिलालेख, एक है स्तंभ लेख, एक है गुहा लेख। ठीक है ना, तो अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में पांडेट्री फैंथलर ने की थी, इसकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप को हुई थी। ठीक, अब देखिए, अशोक के स्तंभ लेख 7 हैं, अशोक के स्तंभ लेख कितने हैं, 7 हैं। ठीक है ना, और शिलालेख कितने हैं, 14 हैं, और अशोक के स्तंभ लेख कितने हैं, 7, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है और 6 अलग अलग स्थानों पे है। अगला देखिए, प्रयाग स्तंभ लेख, यह पहले कौशाम्बी में स्थित था और इस स्तंभ को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित किया गया है। इलाहाबाद के जितने भी स्टूडेंट हैं, आपने इलाहाबाद का किला देखा होगा, उसमें प्रयाग स्तंभ लेख है। ठीक है, दिल्ली का टोपरा, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया था। टोपरा से कहाँ लाया गया था, दिल्ली, दिल्ली से मेरठ में। देखिए, पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली में लाया गया था। रामपुरवा, यह स्तंभ लेख चंपारण में स्थापित है, इसकी खोज 1872 में कार्लायल ने किया था। लौहरिया अरेरे चंपारण बिहार में, और लौहरिया नंदगढ़ चंपारण में स्तंभ पे मोर का चित्र बना गया है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों,
रानी का विलेख कहा जाता है। अशोक का सातवां अभिलेख सबसे लंबा है। अब देखिए अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रोमोद्देई है। क्या है रोमोद्देई? इसी लुम्बिनी में धाम यात्रा के दौरान अशोक ने भू राजस्व की दर को घटाकर 1/8, कभी कभी राजस्व दर इसका पूछ सकता है अशोक का, 1/8 है दोस्तों। लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर बलि, मतलब कि कर को क्या बोलते थे, बलि। अब देखिए पृथक प्रथम पृथक शिलालेख में घोषणा की गई कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सारे कुना अभिलेख ग्रीक और अरमाइक भाषा में लिखी गई है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफी जांचा फरका जाता था, जिसे उपदा परीक्षण भी कहा जाता था। ठीक, सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसमें सदस्यों की संख्या 12 से 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में, अब देखिए अर्थशास्त्र में शीर्ष अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महापात्र कहा जाता, इसकी संख्या 18 है। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा जाता था। अशोक के समय मौर्य सम्रांत साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों को क्या कहा जाता था? चक्र। प्रांतों के प्रशासक कुमार और आर्यपुत्र राष्ट्रिक होते थे। अब थोड़ा दोस्तों ये देख लीजिए, ये मौर्य प्रांत है, ये राजधानी है उत्तरापथ। उत्तरापथ की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। तक्षशिला कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। अब देखिए अवंती, अवंती उज्जैनी, उज्जैन कहाँ पड़ता है? एमपी में। कलिंग, कलिंग तोसली। अब देखिए दक्षिणापथ क्या है दोस्तों? स्वर्णगिरी। प्रासी, प्रासी पाटलिपुत्र। अब देखिए अर्थशास्त्र में कुछ मतलब की शब्दावली दी है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। मंत्री को क्या बोलते थे? प्रधानमंत्री। पुरोहित को क्या बोलते थे? धर्म एवं दान विभाग का प्रधान। सेनापति को क्या बोलते थे? सैन्य विभाग का प्रधान। युवराज को क्या बोलते थे? राजपुत्र। द्वैरिक को क्या बोलते थे? राजकीय द्वार रक्षक। अंतर्वैदिक को क्या बोलते थे? अनंतपुर का अध्यक्ष। समाहर्ता को क्या बोलते थे? आर्य का संग्रहकर्ता। सन्निधाता को क्या बोलते थे? राजकीय कोषाध्यक्ष। प्रशस्ता को क्या बोलते थे? कारागार का अध्यक्ष। प्रदेष्टि को क्या बोलते थे? कमिश्नर। पौर को क्या बोलते थे? नगर का कोतवाल। और व्यवहारिक को क्या बोलते थे? प्रमुख न्यायाधीश। नायक को क्या बोलते थे? नगर रक्षा का अध्यक्ष। कर्मांतिक को क्या बोलते थे? उद्योग कारखानों का अध्यक्ष। और मंत्रिपरिषद को क्या बोलते थे? अध्यक्ष। दंडपाल को क्या बोलते थे? सेना का सामान एकत्र करने वाला। दुर्गपाल को क्या बोलते थे? दुर्ग रक्षक। अनंतपाल को क्या बोलते थे? सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। अगला देखिए दोस्तों, प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषयपति के अधीन था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? ग्राम। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? ग्राम, याद रखिएगा। जिसका मुखिया कौन होता था? ग्रामीण। अब देखिए प्रशासक में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगाइसनीस के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों का विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था, इसे बचाने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। मेगास्थनीस के अनुसार एग्रोनोमोई, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, मेगास्थनीस के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण का अधिकारी होता था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक और 90,000 हाथी, 8,000 रथ थे। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 600,000 फौज से सारे ब्राह्मण को रौंद दिया था, और यह बात सही भी हो सकती है कि और नहीं, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत में सेलुकस की गुलामी से मुक्त किया। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों का कहा गया। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को क्या कहा? लुटेरों का सेना। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वालों को नायक कहा जाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लेनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 600,000 पैदल सिपाही और 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। मेगास्थनीस के अनुसार मौर्य शासन का रख रखाव 5 सदस्यीय और 6 समितियां करती थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के रूप के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा जाता था? गुड़ पुरुष कहा गया तथा है एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। क्या संस्था कहा जाता था? एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले को गुप्तचर को संचार कहा जाता था। क्या? संचार। अशोक के समय जनपदी न्यायालय के न्यायाधीश राजू कहा जाता था। सरकारी भूमि के सीतापति भी कहा जाता था। बिना वर्षा की अच्छी खेती होने वाली भूमि के आवेदक मात्रक कहा जाता था। मौर्य काल में द्रोड़ अनाज के माप के लिए प्रयोग होता था। मेगास्थनीस ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। एक था दार्शनिक, एक था किसान, एक था अहीर, एक था कारीगर, एक था सैनिक, एक था निरीक्षक, एक था सभासद। स्वतंत्रता और वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला क्या थी? रूप जीवा कहलाती थी।
नंदवंश की विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता की। मौर्य शासक 137 वर्षों तक रहा, 137 वर्ष तक था। मौर्य शासन कितने वर्षों तक? 137 वर्षों तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वाई पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक कभी कभी पूछता बृधन, इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दिया था और मगध में शुंग वंश की नींव डाल दी थी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? दोस्तों आप लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि मेरे चैनल 1000 तक सब्सक्राइबर होने वाले हैं, 30 सब्सक्राइबर और बाकी हैं, तो आप लोग मेरा 30 सब्सक्राइबर और बढ़वाइए दोस्तों। और मेरा जो ये वीडियो है, घटना चक्र की सीरीज चल रही है और डेली करेंट चल रही है और हिंदी आरओ और APS की चल रही, उसको भी ज़रूर देखें दोस्तों। तो मेरे चैनल को जो 30 सब्सक्राइबर अभी बाकी हैं, 1000 होने वाले हैं दोस्तों, तो आप लोग मेरा सपोर्ट करिए जिससे मेरे 30 सब्सक्राइबर और बढ़ जाएं दोस्तों। तो दोस्तों धन्यवाद, मेरे वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए दोस्तों, जिससे मेरा मनोबल बढ़े। मैं लूसेंट को और अच्छा डायग्राम से आप लोग को बताना चाहता हूँ दोस्तों, तो मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट हैं, यदि आप मेरा सपोर्ट करेंगे तो मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।